बच्चे फर्स्टली यस्टरडे वी स्टार्टेड विद द टॉपिक दैट ऑफ द एंजाइम, है ना. सो यहाँ पे हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था कल, दैट इज हाउ डू आवर एंजाइम्स दे वर्क, है ना. हाउ डू द एंजाइम्स दे वर्क. एंजाइम्स बेसिकली दे मेक अ कम्प्लेक्स विद द सबस्ट्रेट एंड देन फॉलोइंग द लॉक एंड की हाइपोथेसिस, यू नो, है ना. तो वो सारी चीजें के साथ हमने क्या किया कि एंजाइम और सबस्ट्रेट का एक कम्प्लेक्स बन जाता है, जिसकी मदद से बाद में ट्रांजिशन आने के लिए पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है. सबस्ट्रेट चेंजेस इनटू द प्रोडक्ट एंड हेंस द प्रोडक्ट एंड द एंजाइम कॉम्प्लेक्स इज ऑब्टेन्ड, है ना. दिस इज द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, हाउ इट इज एक्चुअली वर्किंग. बट वेन वी प्लॉट द, यू कैन से, ग्राफ शोइंग द कैटलाइज रिएक्शंस एंड द नॉन कैटलाइज रिएक्शंस विद रिस्पेक्ट टू द जितना आप लोगों ने सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन लिया है या फिर आप लोगों के साथ में पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, सो प्लॉटिंग दिस अलॉन्ग विद द ग्राफ, अगर हम इसको चेक करें that whether actually in comparison to the non-catalyzed reactions, क्या ये catalyzed reaction, catalyzed मतलब enzymes की presence वाली reactions, क्या ये वाकई में कुछ benefit provide कर रही हैं या नहीं. ठीक है, हमने वैसे कल discuss भी किया, आपको मैंने example भी बता दिया that 10 million times the energy was fastened up, the reaction was fastened up, that is of the carbonic anhydrase. ये हमने कल ये discussion किया था, है ना. So that is depending upon the same, we have to continue further, right. One thing more which you need to add here is enzymes are all the proteins. आपको एक statement usually comment करने के लिए पूछी जाती है. All proteins are, लिखो ये, all proteins are not enzymes, whereas all enzymes are proteins. All enzymes are proteins. ठीक है. So, ये क्या है, what does this explain, ये लाइन क्या समझाती है कि जितने प्रोटीन्स हैं, अगर हम सारे प्रोटीन्स की बात करें, दे आर नॉट द एंजाइम्स. ठीक है, दे आर नॉट द एंजाइम्स, ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स. फॉर एग्जाम्पल द प्रोटीन विच वी हैव स्टडीड, द क्वॉटरनरी प्रोटीन स्ट्रक्चर दैट इज एग्जिबिटेड बाय द हीमोग्लोबिन, है ना. तो हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन बट इट इज नॉट एन एंजाइम. It is not fastening up the rate of reaction. Its function is just to carry the oxygen and the carbon dioxide, है ना, and it is doing its work, right? जो उसकी reactions को आगे further accompany कर रही हैं enzymes की form में, जो fasten up कर रही हैं उन reactions को, तो वो और चीजें होंगी, but not the hemoglobin itself, which is a protein. Done. So we can give an example here. That is of the protein. All proteins are not enzymes. Means proteins सारी enzyme नहीं होती हैं. For example, hemoglobin is not an enzyme, okay? But all enzymes are proteins. Yes, ये जितने enzymes हैं, ये सारे proteinaceous हैं अपने nature में, ठीक है? That is, they are all proteinaceous in their nature. Further, अभी आप लोग जब भी इसके factors पढ़ेंगे, तब भी आपको ये clear हो जाएगा that we are talking about the enzymes or we are talking about the protein. मतलब आप लोगों को यहाँ पे doubt ना रहे, इसीलिए मैंने ये आपको एक line लिखवाई है. हो सकता है इसके रिलेटेड कैसे भी आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है ना भी आए, क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं हो, बट आप लोग को ये कंसेप्ट जो है वो पता होना चाहिए. ठीक है, सो कमिंग टू बैक टू दिस, हैव यू रिटन दिस लाइन. हाँ जी, इफ यू हैव रिटन, सो शैल आई रेज इट. राइट, सो दिस इज, नाउ वी आर टू प्लॉट अ ग्राफ दैट इज फॉर शोइंग द एंजाइम एक्टिविटी, दैट इज व्हेन द सबस्ट्रेट इज, the substrate is transformed into a product, right? We have to plot a graph here. On the y-axis, we take the potential energy. Okay, what I'm writing is the potential energy on the y-axis. Okay, on the x-axis, we take the reactions progress, that is from substrate, starting from progress of the substrate to the product formation. Okay, so this is the progress of reaction. Okay, now let's say we have a substrate, particularly this is the S that signifies a substrate. Okay, this is the level of the substrate which I am marking with a dotted line over here. Done. The substrate that gets changed into the product, let's say this is the product which is obtained,
देयर इज ऑल्सो द सिग्निफिकेंस वाई आई एम टेकिंग द प्रोडक्ट एज डाउन और वाई आई एम नॉट टेकिंग इट अप. ठीक है, ये मैं आपको भी कंक्लूड करके बताती हूँ. पहले ये लिख लो, दिस इज एस इज द सबस्ट्रेट. फर्स्ट वी ड्रॉ दिस, देन वी विल राइट द कंक्लूजन पॉइंट ऑफ दिस. ओके, एंड पी रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्ट. ओके, एस इज द सबस्ट्रेट, पी इज द प्रोडक्ट. Getting this is the graph obtained when it is a catalyzed reaction, yani ki it is accompanied with an enzyme, right? This energy that is at the peak, jo peak value banata hai, this is the activation energy. First draw this, then I will explain it also. Okay, so this is a activation energy which is required with enzyme. Theek hai, that is in the presence of enzyme. What is the activation energy which is required? Now, if I take this same graph to be plotted without the enzyme, then the substrate that requires quite high, इतनी यहाँ पे नहीं मिला उसको, substrate के level के नीचे जाके आप इसको attach करेंगे, ठीक है, like this. So this is okay. So this is what, this is a activation energy which is without the enzyme. The activation energy which is required without the enzyme means it is required more. The energy required, ये peak पे बिल्कुल आपने बनाना है, जो peak center आपका बनेगा rise up, ठीक है, जहां से बाहर नीचे की तरफ ये flow होना शुरू हो जाएगा, ठीक है. So this is the activation energy without enzyme. Activation energy without the enzyme, right? Clear? Now what we are showing with this peak, that is मैंने अभी क्या बताया आपको कि ये peak पे बिल्कुल आपको ये arrow जो है वो देना है. वो peak पे क्यों देना है? इसके बाद ये declination की तरफ चला जाएगा, ठीक है. ये declination means that is it is the one which is getting the transition, ठीक है, from the substrate to the product. ठीक है, transition हो गया अभी. So this is the transition stage. This peak that represents the transition state. Clear? Right? अब अगर हम P के level का और S के level के बीच में यहां पर यह difference निकालें, this is S का level, ये डॉटेड लाइन और ये पी का लेवल है ना. सो दिस इज द डॉटेड लाइन रिप्रेजेंटिंग द पी. दिस वाज अ वाई एक्सिस के अलोंग क्या है, पोटेंशियल एनर्जी. सो दिस इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन सबस्ट्रेट एंड द प्रोडक्ट. ठीक है, सो दिस इज फ्री एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एस एंड पी. सबस्ट्रेट पहले फिर प्रोडक्ट. हाँ जी, क्लियर हो गया. हाँ जी बेटा, इज दिस क्लियर? सो दिस इज द ग्राफ. नाउ व्हाट कंक्लूजन पॉइंट्स यू कैन मेक आउट हियर. दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस. नाउ व्हाट कंक्लूजन पॉइंट्स यू कैन ड्रॉ आउट ऑफ हियर. फर्स्ट थिंग विच वी कैन सी हियर इज पी इज प्रेजेंट एट द लोअर लेवल देन द सबस्ट्रेट. है ना, मतलब पी जो है उसका लेवल सबस्ट्रेट से नीचे है. ये ट्रांजिशन के बाद नीचे आ गया, है ना. If P is present at the lower level than substrate, then we call this reaction that represents in this graph, that represents the reaction is exothermic. Getting? If P is present at lower level than S, pehla representation ye kya kar raha hai? That is, it is showing that the reaction is exothermic. And it will be reversed, that is, if P formed is above the level, यहाँ पे ही बन जाता, ठीक है, मतलब ये सबस्ट्रेट का लेवल है, पी पहले ही बन जाता, मतलब उसके ऊपर का लेवल आ जाता, देन दैट विल रिप्रेजेंट द एंडोथर्मिक रिएक्शन. दिस रिप्रेजेंट्स द रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक. गेटिंग? हाँ जी, राइट इट डाउन क्विकली. इफ पी लेवल इज बिलो द सबस्ट्रेट, रिप्रेजेंट्स द एक्सोथर्मिक रिएक्शन. इफ पीज लेवल इज अबव द सबस्ट्रेट, देन दैट रिप्रेजेंट्स द एंडोथर्मिक रिएक्शन.
ना व्हाट से एवर द केस इज, एक्सो और एंडो जो भी हो, ठीक है, वो पी का लेवल नीचे हो या ऊपर हो, लेकिन हर बार एक एस ई कम्प्लेक्स को पी ई कम्प्लेक्स बनना पड़ेगा, ट्रांजिशन तो होना ही होगा, ठीक है. सो दिस इज एवरी टाइम वेदर इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, द सबस्ट्रेट हैज टू अंडरगो दिस ट्रांजिशन स्टेट, है कि नहीं? इट हैज टू अंडरगो अ ट्रांजिशन स्टेट, इट हैज टू गो थ्रू दिस पर्टिकुलर ट्रांजिशन स्टेट, ओनली देन वी कैन गेट फ्रॉम द सबस्ट्रेट वी कैन गेट अ प्रोडक्ट. क्लियर? दैट्स अ थर्ड कंक्लूजन. फर्स्ट कंक्लूजन दैट इज इट इज एक्सोथर्मिक इफ पी इज एट लोअर लेवल, if p is at higher level than s, then that means it's endothermic, and whatsoever the case is, endo or exo, the substrate has to undergo the transition state. Getting? ठीक है. Now this transition state, अब तीसरा हमने लिख दिया कि जो भी इसमें condition है लेकिन it has to go through the transition state. Fourth conclusion क्या दे रहे हैं? The transition state will be having more of the energy requirement. एक्टिवेशन एनर्जी है ना, ये वाली रिक्वायरमेंट है, यानी एनर्जी कितना ज्यादा चाहिए है इफ द रिएक्शन इज अंडरगोइंग विदाउट एंजाइम, ठीक है. सो द ट्रांजिशन स्टेट विल बी अचीव्ड, दैट इज इट विल बी अचीव्ड विदाउट एंजाइम रिक्वायरिंग मोर ऑफ द एनर्जी, विदाउट एंजाइम इट रिक्वायर्स मोर ऑफ द एनर्जी, एंड विद एंजाइम दिस रिक्वायर्स लेसर ऑफ द एनर्जी, अ वेरी लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एंड हेंस विद एंजाइम the rate of reaction is also because of this faster, hai na, tabhi to wo fasten up kar deta hai na rate of reaction ko, kyunki the enzyme in the presence of the enzymes the energy which is required, that is activation energy which is required for converting the substrate into the product, that is lesser as in comparison to the one which is required without the enzymes. Haan ji, ye clear ho gaye? Haan ji, are these points clear to you? Any doubt to anyone? So what conclusions we have drawn from here? If P is at lower level, the reactions are exothermic. If P is at higher level, the reactions are endothermic. Whatever the condition is, it has to undergo the transition phase, that is a transition state. For achieving the transition state without enzyme, the energy requirement is more. And for achieving the transition state with enzyme, the energy requirement is less. So in comparison to both the reactions, agar hum baat karein, that are the catalyzed reactions and the non-catalyzed reactions, the activation energy requirement is more where, that is in non-catalyzed reaction, and it is less in the catalyzed reaction. So always the catalyzed reactions, they are more beneficial. The product obtained will be quicker, energy requirement will be less, hai na? So ye hamare liye dono points jo hai wo beneficial ho jata hai. So this is what we can figure out or conclude from this particular graph, that is showing the activation energy requirement of the non-catalyzed or the non-enzymatic reactions and the enzymatic reactions. Okay, done? Have you drawn this? Have you written all the conclusion points? Any confusion to anyone? All clear? No doubts? Okay, so now coming to the further are the various factors that affects the enzymes activity. What factors are there that can affect the enzymes activity? For the action of the enzyme in a particular reaction, what are the various factors? Pehle heading likho, factors affecting enzyme activity. What are the various factors that affects the enzymes activity? There are three factors. Number one, temperature. Now we are not considering the rate of reaction, hai na? Temperature humne first likha hai. So for the rate of reaction it was 10 degree wala feature, theek hai? तो यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द एंजाइम एक्टिविटी. एंजाइम्स के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? अब एक टेम्परेचर मतलब फॉर एवरी टाइप ऑफ द एंजाइम देयर विल बी डिफरेंट रिक्वायरमेंट फॉर द टेम्परेचर बेसिकली, बट फॉर द वन वेयर द एंजाइम इज एक्टिंग टू इट्स मैक्सिमम एक्सटेंड, ठीक है, दैट विल बी अ टेम्परेचर विच इज कॉल्ड एज द ऑप्टिमम टेम्परेचर. कहने का मतलब क्या है कि देयर इज फॉर एवरी एंजाइम
the temperature requirements are different, you know. There will be, for every enzyme, there will be one temperature amount, you can say, that which is going to act as the optimum temperature. If less than this temperature or more than this temperature is provided, the enzyme is not going to work. The enzyme will not show the activity. It is not going to decrease, rather, but it is not going to work even. How and why? This is enzyme ne apna maximum kaam karna hai. This is at optimum temperature when it is working maximum. Theek hai, maximum activity of the enzyme. Done. Less than this, if I talk about the less than this, less than agar aata hai is temperature se, less temperature is provided than the optimum temperature. OT I am saying optimum temperature. If less temperature is given, then the enzyme remains inactive. वो एक्टिव हुआ ही नहीं तो एक्शन क्या करेगा? ठीक है? इफ वी प्रोवाइड अ टेम्परेचर विच इज मोर देन दिस ऑप्टिमम टेम्परेचर, दैट इज मोर देन ऑप्टिमम टेम्परेचर. अगर एक नॉर्मल टेम्परेचर जहां मैक्सिमम एक्टिविटी दे रहा था एंजाइम, उससे ज्यादा दे दिया जाए, उस ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज्यादा दे दिया जाए, तो क्या होगा? इस एंजाइम का स्ट्रक्चर ही डीनेचर हो जाएगा. इतना ज्यादा टेम्परेचर दे दिया कि उसका स्ट्रक्चर ही टूट गया. जब वो स्ट्रक्चर ही टूट गया तो काम ही नहीं करेगा वो, ना तो इनएक्टिव स्टेट में करेगा, ना वो डीनेचर्ड स्टेट में करेगा. सो यू राइट हियर डीनेचर्ड, द एंजाइम गेट्स डीनेचर्ड, दैट इज द एंजाइम इज गोइंग टू वर्क मोस्ट एफिशिएंटली एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर, दैट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर. ठीक है, हाँ जी, ओके. सो दिस वाज द फर्स्ट फैक्टर दैट इज अफेक्टिंग द एंजाइम. कमिंग टू द सेकंड फैक्टर, दैट इज पीएच, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. पीएच को ऐसे डिफाइन करते हैं ना हम लोग, लेकिन यहाँ पे हमें उसकी कोई कैलकुलेटिव पार्ट का कुछ लेना देना नहीं है. यहाँ पे फिलहाल वी आर ओनली टू अंडरस्टैंड अबाउट द पीएच, हाउ इट इज अगेन अफेक्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ द एंजाइम. एक्टिविटी मीन्स द फंक्शनिंग ऑफ एन एंजाइम. Okay, there is again a particular optimum level of the pH, which we call it as the optimum pH, at which the enzyme is going to function properly, right? Okay, the most maximum, you can say, the maximum activity that is provided by an enzyme is at a particular pH, and that acts as its optimum temperature, sorry, optimum pH. ठीक है, ना इफ वी ऑल्टर दिस पीएच, एनी चेंज विच इज गिवन टू दिस पीएच लेवल, ऑप्टिमम पीएच से कम ज्यादा कर दिया जाए, अगर ऑल्टर कर दिया जाए, दैट इज गोइंग टू डिस्टॉर्ट द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ एन एंजाइम. पीएच का इफेक्ट कहाँ पे होता है? उसके टर्शरी स्ट्रक्चर पे. अब टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम क्या है? मैंने अभी आपको क्या बताया था, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, दैट इज वाई आई एम राइटिंग दिस टर्म नाउ अगेन, क्योंकि प्रोटीन्स में आपने पढ़ा था ये, है ना. तो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, so all of them are also showing the varying structures, right? So यहाँ पे अगर हम altered amount देते हैं pH की, optimum pH से कुछ changed amount अगर हम देते हैं, so that is going to alter the tertiary structure of the enzyme, thereby decreasing the activity of the enzyme. Not completely involved, ऐसा condition नहीं है अब यहाँ पे. This decreases the activity of enzyme, this decreases the functioning of the enzyme. ठीक है, so this decreases the functioning or the activity of enzyme. Getting? So change in the pH, that is if you change the level of the optimum pH, you change it, the tertiary structure is altered or changed, and hence decreasing the activity of the enzyme. ठीक है, these are the two factors. Coming to the third factor, that is a substrate's concentration. हाँ जी, ये दोनों क्लियर हो गए. एनी डाउट इन दीज टू? एनीबडी हैविंग एनी क्वेश्चन, एनी डाउट इन दीज टू? ओके, सो नाउ कमिंग टू द थर्ड फैक्टर, दैट इज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट. द थर्ड फैक्टर दैट इफेक्ट्स इज सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन.
Now, how is this substrate concentration going to affect? The substrate concentration, basically, first of all, we need to go to that particular concept of the substrate and enzyme, jahan pe hum uska complex banate the, hai na? If the concentration of substrate is increased, right? Let's say there is a particular amount of the substrate and we added enzyme to it. ठीक है पहले हमने क्या किया एंजाइम ऐड कर दिया इसके अंदर है ना हमने तो ऐसे रिएक्शन देना था ना सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनेगा फिर वो प्रोडक्ट में बदल जाएगा सो फर्स्ट इनिशियली हमने क्या किया सबस्ट्रेट को एंजाइम दिया इनिशियल स्टेज पे जब तक ये सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन एक नॉर्मल कंसंट्रेशन था एंजाइम हमने सप्लाई किया तब क्या है हमारे सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स में फ्री जो मॉलिक्यूल्स थे दे आर गोइंग टू गेट द एंजाइम्स एंड एंजाइम्स विल बी मोर एंजाइम मॉलिक्यूल्स विल बी मोर इन नंबर as compared to the substrate ठीक है free enzyme molecules पड़े है ना अगर मैंने suppose यहाँ पे मैं hypothetical value ले रही हूँ 100 molecules है अगर मेरे पास substrate के and there are let's say 200 molecules of the enzyme which were available initially when I added तो 100 to 100 book हो गए जो block हो गए substrate के साथ lock and key बहुत से इसलिए लेकिन बाकी के 100 बच गए है ना ये hypothetically मैं समझा रही हूँ सिर्फ आपको then I increased this more मैंने थोड़ा सा और सबस्ट्रेट ऐड किया अभी तक मेरे पास पूरा 100% एंजाइम इन्वॉल्व नहीं हुआ था तो इस रिएक्शन का एक जो इफेक्ट आना चाहिए फास्टनिंग अप द रेट ऑफ रिएक्शन वाला इफेक्ट नहीं आ पा रहा होगा अच्छे से ठीक है मैंने उसी एक कल्चर में यानी उसी एक मीडियम में वापस और सबस्ट्रेट ऐड कर दिया आई एडेड 50 मोर मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा मैंने और इसमें डाल दिया लेट से 1 ग्राम मोर आई एडेड द सबस्ट्रेट ठीक है 50 मोर मॉलिक्यूल्स आई एडेड More of the 50 will be blocked. They will be binded with the substrate and still the reaction is continuing. कहाँ आपने इतनी सी amount of substrate में इतना enzyme डाल के आपने ये reaction चलाना था फिर नवे सिरे से फिर से लेनी थी substrate अलग फिर enzyme अलग है ना अब उसी में ही हम अपने जो substrate है उसको add on करते जा रहे हैं है ना still the enzyme activity is increasing that reaction क्योंकि अभी भी उसमें 50 पड़े और थोड़ा add कर दिया 1 ग्राम और add कर दिया हमने 50 मोर ऐड कर दिए एंजाइम और रिएक्शन को तेज करते जा रहा है ना बट अल्टीमेटली आफ्टर एडिंग 50 50 एंड 100 दैट इज आई हैव रीच्ड टू द एंजाइम्स लेवल नाउ इफ आई ऐड मोर ऑफ द सबस्ट्रेट टू दिस अगर मैं 50 और मॉलिक्यूल्स इसमें 1 ग्राम ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सबस्ट्रेट अगेन आई एम एडिंग ठीक है 1 ग्राम ऑफ द सबस्ट्रेट इफ आई एम अगेन एडिंग टू दिस तो वो 50 फ्री रह जाएंगे व्हाई नाउ दैट इज बिकॉज द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स आर मोर नाउ they are not getting any enzyme which is added to it वहां तो 100% जहां तक enzyme के molecules free थे तब तक के लिए आप substrate को बढ़ाते जाते हो और reaction rate जो है वो fasten up होता जा रहा है ना effect बढ़ता जा रहा है enzyme और involve हो रहा है कहां हमने इनके 100-100 की अलग अलग reactions करवानी थी कहां एक में ही हमने कितनी सारी reaction करवा दी and the enzyme molecules are not wasted but at one level when the substrate concentration will not be affecting the enzyme's activity means that it is the maximum concentration of the substrate which has reached already when the enzymes they were all booked with the substrate molecules hai na samajh aaya now if I talk about phir shuru se agar main baat karu yahan pe phir se to ye substrate aur enzyme ke reaction jab maine diya to reaction was always मूविंग इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन बढ़ रही थी कहीं पे भी डिक्रीज नहीं हुई या बैकवर्ड फ्लो नहीं हुई है ना तो द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट दैट वाज गेटिंग थ्रू इन द डायरेक्शन दैट इज इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन चलती जा रही थी कैन आई ऑल्सो से दैट विद द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन द वेलोसिटी वाज ऑल्सो इंक्रीज्ड कल हम लोगों ने बात करा था ना इफ द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन इज ऑल्सो नोन वी कैन कॉल इट एज अ वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन है ना सो वेलोसिटी इज ऑल्सो इंक्रीज्ड राइट हाँ जी क्लियर हुआ यहाँ तक कंसेप्ट जो मैंने बोला बोलो कोई डाउट है किसी को यहाँ तक जो मैंने बोला हाँ जी फिलहाल हमारी रिएक्शन जो है दैट इज इंक्रीजिंग एंड दैट इज मूविंग इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन द सबस्ट्रेट एंड द एंजाइम्स दे आर बीइंग कंबाइंड दे आर बीइंग रिएक्टेड मोर एंड मोर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स दे आर एडेड leading to the more efficient work of the enzymes and hence the velocity of the reaction is also increased hai na but at a particular level only sorry for a particular level only the substrate can be increased
आफ्टर दैट लेवल देयर इज नो यूज ऑफ एडिंग दिस. मींस व्हाट? अगेन वही ऑप्टिमम वाला कंडीशन आ जाता है जहां हमने बोला कि एक ऑप्टिमम टेम्परेचर तक ही एंजाइम अपनी एक्टिविटी अच्छे से करेगा, अदरवाइज वो एंजाइम एक्टिविटी जो है वो आगे या पीछे उससे कम या ज्यादा उस क्या कहते हैं इसको फैक्टर से कम या ज्यादा जो है वो इफेक्ट नहीं कर पाएगी. ठीक है, सो इज द कंडीशन ऑफ द सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन एज वेल. टिल द टाइम व्हेन द एंजाइम्स आर फ्री, द सबस्ट्रेट व्हिच इज एडेड बीइंग एडेड मोर एंड मोर एंड मोर, देन द एंजाइम इज वर्किंग प्रॉपरली एंड ऑल्सो इंक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन. अदरवाइज फ्रॉम द पर्टिकुलर लेवल after that there will be no particular change in the activity of the enzyme and hence that will become constant, the velocity of the reaction that will become constant. Clear? Constant ho jayegi na velocity of a reaction. Theek hai, so the concentration by which the half of the velocity of the reaction is achieved, velocity of the reaction jahan half of the velocity of the reaction achieve ho jati hai, us velocity ko, us maximum value of the velocity ko हम नाम देते हैं एज वी मैक्स. व्हाट इज दिस वी मैक्स? दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन टिल व्हेन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हैज बीन अचीव्ड. ठीक है, वेलोसिटी वी मैक्स वहां पे आएगी. सॉरी, वी मैक्स क्या है? दैट इज जो टोटल वेलोसिटी है किसी भी रिएक्शन की जहां हम सबस्ट्रेट्स को ऐड करते जा रहे हैं एंजाइम के साथ, तो जहां पे जाके मैक्सिमम हमारी एक्टिविटी हो जाएगी अवेलेबल, जिसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सबस्ट्रेट ऐड करी जाओ वो एक कांस्टेंट वैल्यू देगा. अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं, इफ लेट्स से दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग जब तक ये सबस्ट्रेट ऐड होता जा रहा है, एंड एट अ पर्टिकुलर लेवल इट इज गोइंग टू बिकम स्टेबल नाउ, और नहीं बढ़ेगा, है ना. तो जहां पे ये स्टेबल हो गया वो हमारा जो मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव हुआ है जब तक ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ रहा था, दैट इज going to be called as V max. Okay? ठीक है, clear? और इसका अगर हम half of the V max उस पे concentration check करें, ये half है, sorry, ये half है ना, this is approximately half, अगर मैं graph में बनाऊ, तो यहां पे क्या concentration था इसमें substrate का, this is the concentration of the substrate से. ठीक है, तो ये सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन कितना था? व्हेन हाफ ऑफ दिस वी मैक्स हैज बीन अचीव्ड, द कंसंट्रेशन ऑफ दिस इज कॉल्ड एज, एट विच द हाफ ऑफ द वी मैक्स इज अचीव्ड, द कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज के एम. ओके, दैट इज द के एम वैल्यू. लिख लो ये क्या है, के एम वैल्यू क्या है, समझ आ गया? वी मैक्स क्या है, समझ आ गया? हाँ जी, the concentration of the substrate at which half the maximum velocity is attained. Okay, that is the value called Km, right? This is also called as Michaelis constant. Michaelis constant bhi isko bolte hain. Km is also called as Michaelis constant. So this was the third factor that which has affected the enzyme activity. Clear हुई है दोनों terms आपको, Vmax and Km? Any doubt, any confusion to anyone? These are the three factors that which is affecting the enzyme activity. हाँ जी, any question, any doubt? No questions, all clear? Fine, very nice. So this is about the enzymes. All enzymes are proteins, but all proteins are not enzymes. ये याद रखना. And accordingly, what are the various factors that which affects the functioning of the enzyme, and how do they basically helps in the, how do they basically help in affecting the enzyme activity? So one is temperature, second is pH, and the third is the substrate concentration. Done. Any question? Any doubt to anyone?